Hello friends! वेलकम बैक टू माय चैनल लव टेरॉट कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकलता है क्या चल रहा है क्या थर्ड पार्टी का खात्मा होगा या नहीं काफी लोग जानना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का खात्मा होगा या नहीं क्या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी से निकले गए या नहीं पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर कोई फीलिंग्स है या कोई डर है। वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनर के दिल में आपके लिए स्टैंड लेने की कोई फीलिंग्स है या नहीं क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार हैं आपके पार्टनर देखिए फैमिली के अगेंस्ट का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली वालों से लड़ना फैमिली के अगेंस्ट मतलब कि फैमिली के सामने आपका और अपना प्रपोजल रखना फैमिली को बताना कि आपसे वो प्यार करते हैं फैमिली को बताना जब प्यार किया है तो फैमिली को बताना भी तो जरूरी है ना कि वो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे लव करते हैं तो वो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे और डियर थर्ड पार्टी को निकालेंगे अपनी लाइफ से या नहीं ये चीज भी हम देखने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं देखने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स क्या निकलते हैं ओके तो यहां पर डियर हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड आया है नेक्स्ट कार्ड यहां पर थ्री ऑफ सोड्स की एनर्जी आई है थ्री ऑफ सोड्स है नेक्स्ट कार्ड यहां पर है हमारे पास में टेम्परेंस ओके टेम्परेंस का कार्ड है उसके बाद में हमारे पास में जो कार्ड आया है डियर यहां पर है हमारे पास में का okay, स्टार का कार्ड ओके स्टार का कार्ड है द सन की एनर्जी है डियर यहां पर द हैंड मैन है डियर ए सॉफ्ट पेंटिकल्स सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स ओके डियर तो ये कार्ड्स हमने निकाले हैं यहाँ पर और बॉटम की एनर्जी से अगर आप देखें तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ओके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है चलिए और हम निकालते हैं कार्ड्स की कार्ड्स क्या बता रहे हैं क्या निकल के आता है दूसरे डेक से भी देखते हैं हम कि क्या निकल के आता है तो यहां पर हमारे पास में बॉटम की एनर्जी से है किंग ऑफ कप्स और डियर यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपके लिए आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी चीजें चलने वाली है क्यों क्योंकि एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल जो है उसका खात्मा होने वाला है अगर थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का कोई कार्मिक रिलेशनशिप था या कोई कार्मिक चीजें जुड़ी हुई थी तो वो चीजों का कहीं ना कहीं खात्मा होता हुआ दिख रहा है और ये देखिए कि दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है इस साइकिल से बाहर निकल रहे हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एक ऐसा समय चल रहा है एक ऐसा है जिसके चलते थर्ड पार्टी को फेयर है थर्ड पार्टी डर रही है कुछ तो ऐसा है डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है क्योंकि आप देख रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है ये दोनों ही नंबर बता रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पर डिवाइन टाइमिंग की शुरुआत हो चुकी है डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीजें समय का चक्र जो है वो घूम रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं बहुत सारी चीजों को आप बदलता देखेंगे अपने पार्टनर के अंदर बहुत सारे चीज आपके आपके पार्टनर के अंदर बदलेंगे, आपके अंदर बदलेंगे बदलेंगे तो वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके डियर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे थर्ड पार्टी डर रही है क्योंकि थर्ड पार्टी को डर लग रहा है थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर का जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आ, बहुत ही ज्यादा समय जो है वो घूम रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जैसे जैसे चीजें थर्ड पार्टी के सामने आ रही है वैसे वैसे थर्ड पार्टी को डर लग रहा है थर्ड पार्टी को कुछ ऐसी चीजें सता रही है कि पार्टनर और आप कहीं क्लोज ना आ जाओ पार्टनर और आप एक दूसरे के नजदीक ना आ जाओ वो चीजें इस थर्ड पार्टी को बहुत बहुत ज्यादा सताती हुई मुझे दिख रही है और आप जो है ना इस थर्ड पार्टी के क्लोज आ गए या फिर ये पार्टनर आपके क्लोज आ गए तो आप दोनों के बीच में जो गेप इस थर्ड पार्टी ने लाया था जो दूरी इस थर्ड पार्टी ने थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी तो डर भी रही है ये थर्ड पार्टी आप दोनों का रिश्ता सही ना हो जाए इसका डर इसे बहुत ज्यादा सता रहा है बहुत ज्यादा तकलीफ में है हो चुकी सोच सोच के कि अगर आप दोनों एक हो गए आप दोनों के बीच में प्यार फिर से जाग गया तो इस थर्ड पार्टी का क्या होगा इसके जो गलत इरादे थे इसके मनसूबे जो गलत थे उन सबका क्या होगा तो ये अपने गलत इरादों के साथ बैठी हुई दिख रही है और आप दोनों एक साथ ना हो जाओ आप दोनों का रिश्ता सही ना हो जाए इसका डर इसे बहुत बहुत ज्यादा सता रहा है अगर आप लोग एक हो गए तो क्या होगा इस थर्ड पार्टी का कैसे गुजारा होगा इस थर्ड पार्टी का ये थर्ड पार्टी सोच रही आप जीत जाओगे इसको घबराहट हो रही है इसको दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो रही है इस थर्ड पार्टी को ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों आ, कि बीच में जो चीजें सही नहीं थी वो चीजें अचानक से सडनली सही होने लगी है वो चीजें अचानक से सही होती दिख रही है तो इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ में आप अपने पार्टनर के साथ में एक ऐसा बैलेंस बना रहे हो जिसमें कही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है ठीक है तो ये थर्ड पार्टी घबरा रही है कि आप जो है अपने पार्टनर की तरफ कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं रिश्ते में बैलेंस आ रहा है है ना इस बात से डर लग रहा है इस थर्ड पार्टी को पार्टनर का दिल अब आपकी तरफ झुक रहा है अगर मैं बोलूं कि पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ में थे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ था तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर जो है आप थर्ड पार्टी की तरफ से अपना ध्यान हटा रहे हैं पार्टनर को थर्ड पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है पार्टनर उस थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नफरत करने लगे हैं क्योंकि कुछ चीजें इस थर्ड पार्टी ने ऐसी बिगाड़ी है कि जहां पर आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी किसी भी कीमत पर आपके पार्टनर की लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल नहीं बन सकती है और ना ही सारी उम्र आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का बोझ उठा सकते हैं उनकी भी कुछ खुशियां हैं उनके भी कुछ पल है उनके भी कुछ रिश्ते हैं कुछ नाते हैं जो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको उठानी है तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है चीजें सही जो हो रही है उसके ऊपर भी आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं पार्टनर का दिल अब आपकी तरफ जो झुकाव महसूस कर रहा है जो लव महसूस कर रहा है पार्टनर आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ जो उनका प्यार जो इंटेंशन वो आपको दे रहे हैं ना उसमें ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन ठीक करना ठीक है रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं पार्टनर के बढ़ते कदम देख थर्ड पार्टी जो है ज्वेलस हो रही है थर्ड पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि पार्टनर जो है इस तरह के गलत काम कर रहे हैं है ना तो थर्ड पार्टी को गलत काम दिख रहा है जब उसने आपके साथ में किया तब नहीं दिखा लेकिन अभी इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं रिश्ते को लेकर सोच रही है थर्ड पार्टी पार्टनर के जो बढ़ते कदम है है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को तो ही हो रही है थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता बनाने वाले हैं जिसमें थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं रहने वाली है तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी को हो सकता है कि सारी बातें बता दें हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया होगा कि वो आपके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहते हैं ये पार्टनर ने कहा होगा कि वो आपके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहते हैं एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं है और ये बात सुनकर थर्ड पार्टी को बहुत ज्वेलसी हुई है बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा दर्द हुआ है थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्द आपके क्लोज आ रहे हैं और इसमें आपने कुछ किया है तो यहाँ पर ये आते दिखाई दे रही है कि वो अब रिश्ते को सही करना चाहते हैं उस रिश्ते में दोबारा से जान डालना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं बेजान हो गया था तो आपके पार्टनर की सोच बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अच्छी है और डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब थर्ड पार्टी का साथ अब आपके पार्टनर को और नहीं चाहिए वो नहीं चाहते थर्ड पार्टी के साथ में रहना वो नहीं चाहते कि इस थर्ड पार्टी के साथ वो अपना टाइम बिताए या इस थर्ड पार्टी को अपना टाइम दे है ना वो चीज यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी को अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए शायद आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को बहुत रूडली ये बातें कह दी है कि अब आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के लिए और कुछ नहीं कर सकते आपके पार्टनर की भी फैमिली है आपके पार्टनर की भी लाइफ है आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जहां पर आपके पार्टनर को पूरी करनी है तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है और देखिये सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि जरूरत से ज्यादा दे बैठे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर ने ऐसी करी है इस थर्ड पार्टी के लिए कि जिससे आपके पार्टनर जो है वो जरूरत से ज्यादा इस थर्ड पार्टी को दे चुके हैं पहले इस थर्ड पार्टी की बातों में जरूरत से ज्यादा मिठास महसूस होती थी आपके पार्टनर को अब वही चीज कड़वाहट में बदल गई है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की हर एक बात कड़वी लगती है नीम की तरह है ना तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रहा है कि हर बार आपके पार्टनर के जज्बातों का हर बार इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस का फायदा उठाया है तो अभी ये दिख रहा है कि इसको एक ऐसी लाइफ मिल रही है जिसमें अधूरे मन से ये थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर जुड़े हैं आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ में रहना आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन पर मजबूर हैं और मैं बताऊं तो पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में इमोशनल चीजें खत्म हो गई है पार्टनर की जो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी इमोशनल टच था जो चीजें थी वो खत्म हो गई है पार्टनर को पता है कि एक ना एक दिन चीजें सही होगी अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस आया है तो ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और आप के पार्टनर आजकल आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कभी वो अपनी फैमिली को देखते हैं तो कभी वो अपने आप को देखते हैं कि आज उनकी क्या हालत हो गई है आजकल आपको लेकर बहुत सोचा जा रहा है आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स बहुत ज्यादा चीजें चल रही है और ये दिखाई दे रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वो आपको पा लेंगे आपके करीब आ जाएंगे ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे क्योंकि अब इनके इमोशंस जो है ना बहुत हाई हो चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये समय का वेट करते करते बहुत ज्यादा थक गए हैं और समय पर इतना डिपेंड हो चुके थे कि अब बस इनको लग रहा है कि समय जो है वो बदलने वाला है अब बहुत ज्यादा यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आतंक मचा के रखा है देखिए अगर आप चाहो तो इस थर्ड पार्टी से निकल सकते हो आपको खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज पहुंचाना होगा जो कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि आपकी जिंदगी से थर्ड पार्टी जो है वो निकल सकती है आपकी पॉजिटिविटी उस थर्ड पार्टी को निकाल सकती है आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपका ओवरा बहुत क्लीन होना चाहिए उसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आप देखिएगा कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में मेरे होने वाला है बहुत जल्द चेंज होने वाला है अगर हम उसी एनर्जी में पड़े रहेंगे उसी एनर्जी में रोते रहेंगे तो चीजें बिल्कुल सही नहीं होने वाली है चीजें जो है हाथ से और ज्यादा बिगड़ जाएगी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर से रह रहे हैं अधूरे मन से जुड़े हुए हैं पार्टनर को पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है इसके साथ में रहना बहुत मुश्किल है चीजें खत्म हो गई है पार्टनर को पता है एक ना एक दिन तो ये हालात होने ही थे देखिए थर्ड पार्टी आप पर नजर रख रही है क्योंकि तो आपके पार्टनर की एक्टिविटी जो है वो चेंज हुई है आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया है वो थर्ड पार्टी को रास नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं और आपसे बात कर रहे हैं किसी और को अपनी दुनिया बना लिए है वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो दिन दूर नहीं जब आप देखोगे कि थर्ड पार्टी जो है पार्टनर की जिंदगी से निकल जाएगी देखिएगा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत जल्द पार्टनर की जिंदगी से निकल जाएगी थर्ड पार्टी आप पर नजर रख रही है आपको स्पाई कर रही है हो सकता है आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कुछ ऐसी बातें बता दी है जिसके चलते वो आपके ऊपर नजर रख रही है अपने खबरी फैला रखे है इस थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि किसी खबरी ने इनको खबर दे दी है वो चीज दिखाई दे रही है देखिए आपके बारे में जो पता चला है ना थर्ड पार्टी को कुछ चीजें ऐसी हुई है थर्ड पार्टी के सामने जहां पर इस थर्ड पार्टी के सामने कुछ डिटेल्स आई है आपकी कुछ चीजें आई है उससे ये शॉक्ड रह गई है थर्ड पार्टी आपके बारे में जो पता चला है ना उससे दुखी हुई है उससे इसका दिल भी टूटा हुआ है इसका थर्ड पार्टी को जो समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि पार्टनर आपकी तरफ वापस गए हैं थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों फील कर रही है क्या सिचुएशन है चलिए कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों फील कर रही है कि पार्टनर आपकी तरफ वापस आ गए हैं पार्टनर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं है ना तो ये ऐसा क्यों सोच रही है थर्ड पार्टी प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है देखिये यहां पर हमारे पास में जो कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है ना नेक्स्ट कार्ड क्या है ओके okay. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है हाई प्रिस्टेस आपके पार्टनर छुपा रहे हैं आपको मैं बता दूं अधूरे मन से जुड़े हुए हैं बोल नहीं पा रहे आपको कि वो थर्ड पार्टी के पास नहीं रहना चाहते लेकिन क्या करें मजबूरी है और उनको रहना ही पड़ रहा है यहाँ से चैरियट का कार्ड है एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं पर क्या करें उनकी आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है ना इस थर्ड पार्टी ने वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है चलिए यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आया है बहुत जल्द आप देखेंगे कि जजमेंट होने वाला है उसी के साथ साथ हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है है ना थ्री ऑफ सोर्ट भी आया है तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं ठीक है थ्री ऑफ सोर्ट चलिए देखते हैं देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी जो है उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ वापस आ गए हैं आपके पार्टनर है ना आपकी तरफ उनका कनेक्शन जो है वो जुड़ सा गया है थर्ड पार्टी टेंशन में है थर्ड पार्टी थोड़ी सी जलन में दिख रही है थोड़ा सा टेंशन में दिख रही है वो हैरान है कि आप दोनों एक हो गए कैसे आप एक हो सकते हो इस थर्ड पार्टी ने तो इतने कारनामे किए थे कि इसके चलते आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खराब करी थी इस थर्ड पार्टी ने थर्ड थोड़ पार्टी थोड़ी सी जलन में दिख रही है वो हैरान है कि आप दोनों का एक रिश्ता कैसे हो गया कैसे ये संभव हो सका हो सकता है कि इसने ऐसे कुछ काम किए थे जब उसको लग रहा था कॉन्फिडेंस में थी कि चीजें खराब नहीं होगी इसलिए ये अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्या करें कैसे करें वो चीजों पर ध्यान दे रही है आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं क्यों क्योंकि इसके लिए अ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी उनके इर्द गिर्द रहती है थर्ड पार्टी जो है उनको कही कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है चेज कर रही है वो चीज मुझे दिखाई दे रही है इसके लिए पार्टनर के साथ लप्पो चप्पो भी कर रही है पार्टनर को समझने की कोशिश कर रही है पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रही है पार्टनर को प्यार देने की कोशिश कर रही है इमोशनली अत्याचार कर रही है ये थर्ड पार्टी है ना देखिए कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि दिखावा बहुत कर रही है थर्ड पार्टी है ना आंखों पे पट्टी बांध के आपके पार्टनर को रिझाना आपके पार्टनर को अपनी तरफ करना वो वाली चीज दिखाई दे रही है पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी से खत्म हो रहा है दूरियां आ रही है पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से दूर है और बहुत ज्यादा दूरियां यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर आएंगे और यू समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी को छोड़ना है आपके पार्टनर को है ना तो आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आएंगे दूर हो रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा आपकी तरफ ट्रेवल करके आने वाली एनर्जी है चैरियट का कार्ड है ट्रेवल करके आएंगे देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कुछ बातें बता दी कुछ सीक्रेट बता दिए कि आप दोनों जो है एक हो चुके हैं आप दोनों का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं सही हो गया है तो वो चीजें दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये यह भी दिखाई दे रही है कि ट्रेवल करके आएंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इस बात की भनक लग गई है और थर्ड पार्टी नए नए पेतरे खेल रही है ये थर्ड पार्टी पार्टनर अब रुकी हुई चीजों को सही करेंगे अगर ये स्टक थे किसी काम में अटके हुए थे तो अब वो सारी चीजों को सही करेंगे सारी चीजों के कमांड वो अपने हाथ में लेंगे ट्रेवल करके आएंगे थर्ड पार्टी को इस बात की भनक लग गई है कि पार्टनर अब रुकने वाले नहीं है अब चीजें हाथ से निकल चुकी है अब चीजें सही नहीं होगी है ना पार्टनर रेस करेंगे यहाँ फैमिली प्रॉब्लम कर रही है मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है पार्टनर उनको हटा रहे हैं फैमिली अगर कुछ चीजों को खराब कर रही है फैमिली अगर कुछ चीजों को गलत करने की कोशिश कर रही है तो पार्टनर जो है उनको हटा रहे हैं पार्टनर से थर्ड पार्टी अच्छा खासा कुछ ना कुछ यूज करना चाहती है ये थर्ड पार्टी जो है पार्टनर को फंसाना चाहती है ये थर्ड पार्टी पार्टनर को अपनी तरफ करना चाहती है स्टेबिलिटी मांग रही है पार्टनर को फंसाने के लिए पार्टनर को अपनी जिंदगी में रखने के लिए उनसे पैसा मांग रही है फसाया जा रहा है ये थर्ड पार्टी फैमिली ऑफर भी कर रही है हो सकता है कि ये फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी को लाने की कोई तैयारी कर रही है आप लोग मैरिड पर्सन है कुछ डिवोर्स केस हुआ है या फिर ब्रेकअप करा दिया है थर्ड पार्टी ने और ये थर्ड तैयारी कर रही है शादी करने की ये तैयारी कर रही है दूसरों के साथ में आपके पार्टनर का रिश्ता जोड़ दे वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी फैमिली ऑफर कर रही है शादी कर लो किसी ना किसी तरह से है ना मुझसे प्यार कर लो ऐसा ये थर्ड पार्टी का मुझे दिख रहा है रिश्ता जो आ, लड़ाइयां आप लोगों के बीच में हुई जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हुई वो सब कुछ कहीं ना कहीं छोड़ दो ये थर्ड पार्टी के साथ बने रहे बस ये एक इच्छा इस थर्ड पार्टी की दिख रही है यहाँ पर है ना देखिए अपॉर्चुनिटी में फंसाना चाहती है उनको रिझाना चाहती है उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है ये थर्ड पार्टी अपॉर्चुनिटी में फंसा कर रखना चाह रही है अब ये रिश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं क्यों क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि उन्हें लव करना है उन्हें प्यार चाहिए इस थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने आपकी जिंदगी से अपनी जिंदगी से बहुत कुछ कहीं ना कहीं हटा दिया है है ना वो चीज मुझे दिखाई दे रही है चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है तो यहाँ पर हमारे पास में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड और क्या कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है डियर 9 ऑफ कप 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है हमारे पास में 7 ऑफ वोंड्स ठीक है तो चार कार्ड हमने निकाल लिए हैं और देखते हैं क्या निकल के आया है आप पर स्टक हैं आपके पार्टनर आप पर अटके हुए हैं ये आपसे प्रपोजल चाहते हैं ये आपसे एक न्यू शुरुआत चाहते हैं हालांकि इनकी थर्ड पार्टी जो है मदर है जो परिवार वाले हैं जो ब्रदर है जो भी है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का बीच का रिश्ता जो है वो खत्म हो जाए किसी ना किसी तरह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप पर स्टक है आपके पार्टनर ये आपसे प्रपोजल चाहते हैं ये एक नई शुरुआत चाहते हैं ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं ये पास्ट में जाना चाहते हैं ये पार्टनर आपके साथ बिताया वक्त बिताई यादें याद कर रहे हैं आपके पिक देख रहे हैं रिकंसिलेशन करना चाहते हैं मोहब्बत उनके दिल में है प्यार आपके लिए है आपके पार्टनर बात करेंगे पर मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है अभी तो मैसेज की भरमार लगा के रखी गई है और यहाँ पर ये देखिए स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर है ना ये आपसे नाराज थे आपसे गुस्सा थे पर अब ये दिख रहा है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है आप इस रिश्ते से कैसे दूर हो गए आप इनको चेस क्यों नहीं कर रहे हो आप इतना शांत कैसे रह सकते हो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत बहुत अच्छी लग रही है कि आप जो हो बहुत ज्यादा आजकल अपने पर ध्यान दे रहे हो आप जो हो अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो आप जो हो सबसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हो और आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेंज किया है बहुत सारी चीजें आपने ऐसी करी है जहां पर ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बदले हैं तो वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है सारी विशेष आपके पार्टनर की पूरी हुई थी और ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा मोटा रकम जो है इस पार्टनर ने कहीं ना कहीं फैला दी है ओके और ये बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं किसी तरह का कोई केस किसी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसके चलते आपके पार्टनर कंफ्यूज थे पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है आपको भी पॉजिटिव रहना है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ओके okay? और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे